वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की चाल का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, खासकर जब शनि देव से संबंधित कोई भी परिवर्तन होता है तो इसका पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। शनि देव को 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमय और रहस्यपूर्ण ग्रह माना जाता है। इसके अलावा उनकी गति भी सबसे धीमी है, यानी कि मनुष्य के कर्मों का परिणाम देने वाले शनि देव ही हैं। 4 नवंबर को शनि देव वक्री गति से कुंभ राशि में सीधी चाल चलेंगे। शनि देव संतुलन और न्याय के कारक हैं और शनि देव की कृपा से मनुष्य अपने जीवन में धीरे धीरे ऊंचाइयां हासिल करता है। कुंभ राशि में शनि के मार्गी होने से 3 राशि वालों को थोड़ा सावधान रहना होगा। आइए समझते हैं कि वह 3 राशियां कौन कौन सी हैं। कर्क राशि वालों पर केतु गोचर का प्रभाव। कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव अब 8वें भाव में मार्गी होंगे। इस भाव से जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं और हानि का विचार किया जाता है। इस भाव में स्थित शनि की दृष्टि आपके दशम भाव, द्वितीय भाव और पंचम भाव पर होगी। शनि के राशि परिवर्तन से कर्क राशि वालों को आर्थिक मोर्चे पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पैतृक व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाल रहे जातकों को झटका लग सकता है। वृषभ राशि वालों पर केतु गोचर का प्रभाव। इस समय आप जो काम कर रहे हैं उसमें काफी निवेश की जरूरत है। आपको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक से कर्ज भी लेना पड़ सकता है। कार्य स्थल पर प्रतिस्पर्धा रहेगी, आपके शत्रु आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको अपने वरिष्ठों को खुश करने के लिए अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता होगी। आपको अपनी सेहत को लेकर भी सावधान रहना होगा। सेहत के लिहाज से समय थोड़ा उतार चढ़ाव वाला प्रतीत हो रहा है। शनि के मार्गी होने से आपकी वाणी में कुछ कड़वाहट आ सकती है। अपनी वाणी मधुर रखें और अपनी पत्नी या प्रेमिका से ज्यादा बहस ना करें। वृश्चिक राशि वालों पर केतु गोचर का प्रभाव। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि देव 4थे भाव में मार्गी होंगे। इस भाव से व्यक्ति की मानसिक शक्ति, पारिवारिक स्थिति, सुख संपत्ति और माता के स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके 6ठे भाव, दसम भाव और प्रथम भाव पर रहेगी। शनि के इस गोचर के कारण वृश्चिक राशि के जातकों को परिवार में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद का स्तर काफी बढ़ जाएगा, जिससे आपको मानसिक परेशानी का अनुभव हो सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।